हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे मंगोलियन राइस। मंगोलियन राइस के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए मंगोलियन सॉस। मंगोलियन सॉस बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी है। मंगोलियन सॉस बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इससे हम बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है टोमेटो प्यूरी, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्ची पाउडर, ऑरेंज रेड कलर, तुलसी पाउडर, शक्कर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्प्रिंग अनियन लीव्स। बेसिक मसालों में से नमक, मिर्च और पिंच हल्दी जाएगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बाउल के साथ एक पैकेट पूरा जाता है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। हमारा पैन गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ बटर और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। बटर के कारण बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है सॉस में, इसीलिए बटर डाला था पहले। हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं टोमेटो प्यूरी। हमें टोमेटो प्यूरी को बहुत अच्छे से पका लेना है, फिर हम इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। इसे हम फुल में ही पकाएंगे पहले। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में करने के बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसे सबसे पहले भी डाल सकते हैं बटर और ऑयल के बाद। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं, गरम मसाला, काली मिर्च, जीरा पाउडर, कस्तूरी मेथी, ऑरेंज रेड कलर एंड रेड चिली पाउडर, शुगर और तुलसी पाउडर। ये बहुत ही मसालेदार दिख रही है। अब इसे सब मिक्स होने के बाद इसमें हमें शेजवान चटनी का एक पैकेट ऐड करना है। इसे 1 से 2 मिनट तक के पकाना है और फिर ये सॉस रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही मसालेदार है। आप इसे बहुत सारी रेसिपीज पर ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे ग्लास कंटेनर पर शिफ्ट कर देंगे और फिर हम इसे हफ्ता तक स्टोर कर सकते हैं बिना विनेगर, बिना कोई प्रिजर्वेटिव के। ये हल्का ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन लीव्स डाल देंगे थोड़ी सी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम। बहुत ही प्यारी खुशबू है इस सॉस की, आप ज़रूर ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बहुत ही टेस्टी है। बस एक बात ध्यान रखनी है, आप जब भी इसे कोई भी सब्जी पर डालें एक बार उसमें नमक मसाला चेक कर लें, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। कि आप इसे कोई भी रेसिपी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है, ये दूसरी सब्जी का भी टेस्ट एनहांस कर देती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मसालेदार है। हमने
हमने चावल को पहले से पका के रख लिया है, ये पूरे ही ठंडे हैं। हमें इसे बनाने के पहले ठंडा करना है अच्छी तरीके से, गरम गरम चावल में, फिर चावल के दाने टूटते हैं। बेसिक मसाले लगेंगे हमें, पतला लंबा कटा हुआ प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, शिमला, बॉइल्ड कॉर्न्स, रेड ऑरेंज कलर, KRCP, गरम मसाला और जीरा पाउडर। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल को गरम कर दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं अनियंस, अब हम इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च, अब हम इसमें नमक मिर्च डाल देंगे। एक पिंच हल्दी, हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें कॉर्न्स ऐड कर रहे हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब हम इसमें जीरा पाउडर और गरम मसाला ऐड कर देंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे एक बड़ी कढ़ाई में। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमने इसमें तेल डाल लिया है। अब हम इसमें मंगोलियन सॉस डाल रहे हैं। हमारी सॉस गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं, जो हमने फ्राई करके रखा है वो सब डाल रहे हैं। KRCP और रेड ऑरेंज कलर ऐड कर रहे हैं हम इसमें। अब हम इसमें राइस ऐड कर रहे हैं।